संकेश्वर पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य सच्चिदानंद विधान नरसिंह भारती ने जयप्रकाश नगर स्थित गुरु मंदिर के सद्गुरु महाराज को धर्म भास्कर की उपाधि से विभूषित किया है। कार्यक्रम के संयोजक अजय देशमुख ने पत्र परिषद में बताया कि श्री सद्गुरु दास महाराज का धर्म भास्कर सम्मान समारोह का 11 जनवरी को सुरेश भट्ट सभागृह रेशमबाग में होगा। अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत करेंगे। सम्मेलन में 27 देशों के हजारों प्रतिनिधि शामिल होंगे। 10 जनवरी को शाम 6 बजे रेशमबाग विनर्स स्पोर्ट मैदान से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में 5 रथ हर प्रदेश के लोक नृत्य डिंडिया ढोल ताशा मंडलिया संत मंडलिया आकर्षण का केंद्र बिंदु रहेंगी। 11 जनवरी को सुबह 8:30 बजे रेशमबाग के महर्षि व्यास सभागार में गुरु मंदिर की विजुअल सीडी दिखाई जाएगी। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक मैना जोशी की अध्यक्षता में पत्र भेंट युक्त धर्म भास्कर का विमोचन किया जाएगा। शाम को मुख्य समारोह में उपस्थितों को यह भेंट स्वरूप दी जाएगी। 10 और 11 तारीख को ये महा आयोजन करने वाले हैं हम लोग। मुख्य कार्यक्रम शाम को 11 जनवरी शाम को 6 बजे सुरेश भट्ट सभागृह में होने वाला है। परम पूजनीय सरसंघ चालक ये इनकी प्रमुख उपस्थिति ये कार्यक्रम में रहने वाली है। उनके कर कमलों द्वारा ये सम्मान सद्गुरुदास महाराज जी को प्रदान करने वाले हैं। उसके पूर्व संध्या में 10 जनवरी को भव्य रथ यात्रा का आयोजन करा हुआ है। ये भव्य रथ यात्रा में हमारे हिसाब से 27 कंट्रीज़ के या देश विदेशों से कम 1000 लोग 3 से 4 हज़ार लोग उपस्थित रहने वाले हैं। और इसमें विविध प्रकार का आकर्षण है, जैसे पूना का ढोल ताशा लेजिम पथक आने वाला है, शिवकालीन मर्दानी खेल है, गुजरात से गरबा नृत्य करने वाला एक पथक आने वाला है, इत्यादि इत्यादि। एक विशेष मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि ये रथ यात्रा में हिमालयन योगी श्रद्धेय सदानंद गिरी महाराज, जिनका आयु आज 108 वर्ष के ऊपर है, ये हिमालय से आने वाले हैं सद्गुरुदास महाराज जी को आशीर्वाद देने के लिए। इनके समवेत कम से कम 25 से अधिक संत महंत संपूर्ण भारत से आने वाले हैं। वो यहाँ पे अपने साथ 2 दिन रहने वाले हैं और महाराज जी को आशीर्वाद देने वाले हैं। नमस्ते। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।